यूएई में चल रही आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया, लेकिन मंगलवार को लीग स्टेज के अपने आखिरी मैच में रोहित मैदान पर उतरे, जिसके बाद ये मुद्दा और गर्म होता नजर आ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर मची गफलत और बयानबाजी पर मुख्य कोच रवि शास्त्री और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। एक कार्यक्रम में बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रवि शास्त्री को कोई जानकारी ना हो। वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होते, लेकिन सिलेक्टर्स एक दो दिन पहले उनकी राय जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारतीय टीम के कोच हों और सिलेक्टर्स आपसे बात ही ना करें। सहवाग ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि बीसीसीआई ने बिना पूरी जानकारी लिए रोहित के चयन पर फैसला लिया। पूर्व ओपनर ने कहा कि रोहित को टीम में चुना जाना चाहिए था और अगर वो फिट नहीं हो पाते तो उन्हें आगे जाकर रिप्लेस भी किया जा सकता था। आपको बता दें, हाल ही में कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि अगर रोहित पूरी तरह से फिट हुए बिना मैदान में उतरे तो उनकी चोट और गंभीर हो सकती है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।